सचिव डॉक्टर एके मेहता जी, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी वित्त श्री अटल डुल्लू साहब, मंच पर विराजमान श्री नीतीश्वर कुमार जी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी पावर, हमारे मित्र और आरएचपीसीएल के चेयरमैन श्रीमान आईडी दयाल साहब, श्री रोहित कंसल, अभी विस्तार से आपने प्रेजेंटेशन देखा है। मैं मानता हूं कि बिजली के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होने की दिशा में जम्मू कश्मीर प्रशासन ने एक महत्वपूर्ण कदम आज बढ़ाया है। कदम तो पहले ही बढ़ गया था, एक पड़ाव पर हम पहुंचे और वास्तव में बधाई या धन्यवाद के पात्र भारत के प्रधानमंत्री हैं, जिन्होंने एक ऐसी परियोजना जो पहले भी लगता था, अब वो कहानी में नहीं दोहराना चाहता हूं, आप सब लोग परिचित हैं, आज वो वास्तविक स्वरूप में कारगर होने जा रही है। और भारत के ऊर्जा मंत्री जी को भी मैं विशेष रूप से साधुवाद देना चाहूंगा, जिन्होंने हर मौके पर, चाहे वो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट लगाना हो, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन के हमारे काम हो, मैं समझता हूं कि जम्मू कश्मीर के एलजी के नाते या जम्मू कश्मीर के पावर सेक्रेटरी या चीफ सेक्रेटरी के नाते जितनी हम लोगों को चिंता है, उससे कम चिंता भारत के पावर मिनिस्टर को नहीं है। और इसके लिए मैं उनके प्रति भी आभार व्यक्त करना चाहता हूं। आज इस कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट के साथ हमने जो कदम बढ़ाया है, देखने में साधारण लगती है, लेकिन मैं इसे असाधारण उपलब्धि मानता हूं। 3 जनवरी को एमओयू साइन हुआ था, कंपनी बन गई, कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड हो गया और मुझे लगता है कि अब काम शुरू हो गया है। जैसा बताया गया कि कैबिनेट ने जो मंजूरी दी थी वो 60 महीने मैंने 5 साल की थी, मैंने मोटे तौर पर अब 4 साल बचा है आपको काम पूरा करने के लिए। जो धन की मंजूरी कैबिनेट ने दी थी उससे कम में टेंडर हुआ है। 2-3 बात मैं निवेदन के तौर पर कहना चाहूंगा। एक तो स्थानीय लोग जो वहां के हैं, तो हमारा जो सामाजिक उत्तरदायित्व है, मेरा आपसे निवेदन होगा, आग्रह होगा कि उसका संवेदनशील ढंग से अगर हम पालन करेंगे तो प्रशासन तो आपके साथ खड़ा ही रहेगा, स्थानीय लोग भी खड़े रहेंगे। दूसरा, सामान्यतया जो अनुभव में मैंने देखा है, स्किल के नाम पर स्थानीय लोगों को बाहर कर दिया जाता है। मुझे लगता है कि ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, अगर नहीं है तो स्थानीय लोगों को सिखाया जा सकता है। इसका एक प्रयोजन कंपनी को और मेगा नाम की जो कंपनी है हैदराबाद की, उसको बनाना चाहिए। हाँ, कुछ विशेष स्थिति में जो काम कोई नहीं कर सकता, हम स्वागत करेंगे कि एक्सपर्ट्स आवे उस काम करें, लेकिन हर काम के लिए बाहर से लोग आवे, उससे एक रोष पैदा होता है और उस रोष का मुकाबला फिर मुझे लगता है कि हमें अच्छे परिणाम नहीं देता है। तो ये मेरा आग्रह होगा, जो लोग प्रभावित होंगे उनके पुनर्वास की अच्छी व्यवस्था संवेदनशील ढंग से करना। और हम क्या कर सकते हैं वहां शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, ताकि ये गुडविल हमारी समाज में जब बनती है तो मुझे लगता है कि काम हमारा और तेज गति से होता है। ये सच है कि जैसा मेहता जी ने कहा कि पावर सेक्टर में पिछले 2 वर्षों में हम लोगों ने काफी प्रगति की है, चाहे वो जनरेशन का मामला हो, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन का मामला हो, और पहले से हम बेहतर स्थिति में हैं। ये किस्सा जरूर हम लोग सुनते थे कि हमारी क्षमता 20,000 मेगावाट की है, लेकिन 3500 के आसपास ही हम सीमित थे। मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले 4 वर्षों बाद लगभग लगभग इतनी ही बिजली फिर यहां बनने लगेगी, तो उस मामले में मैं मानता हूं कि आत्मनिर्भर हो जाएंगे हम लोग पूरी तरह से। ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन कैपेसिटी के बारे में मैं विस्तार में नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन काफी काम इधर हुआ है, और चाहे वो जम्मू का क्षेत्र हो चाहे कश्मीर का क्षेत्र हो। और अब मैं कह सकता हूं कि शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली देने की स्थिति में, बेहतर स्थिति में हम खड़े हो गए हैं। अभी एक योजना हम लोगों ने शुरू की है,
कि 100% मीटरिंग वाले जो फीडर होंगे वहां बिजली में कोई कटौती नहीं होगी। अभी 4 फीडर जम्मू शहर में बन पाए हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि शीघ्र ही वो 4 से 8 होंगे। श्रीनगर में 3 फीडर हो सके, ये संख्या में निरंतर बढ़ानी है और विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों से सलाह करके जहाँ जहाँ कठिनाइयाँ थी उन कठिनाइयों को दूर करने की कोशिश की गई है और आज हमारा पूरा पीडीडी डिपार्टमेंट आत्मविश्वास से भरा हुआ है। एक मैं कहूँ कि एक बड़ी उपलब्धि हमें आने वाले दिनों में हासिल होने वाली है, वो जो सोलर पावर का जनरेशन लद्दाख में हो रहा है। भारत सरकार ने पहले सोचा था कि जो ट्रांसमिशन लाइन बनेगी वो कश्मीर और जम्मू होते हुए नहीं जाएगी। हमारे साथियों ने मिलकर के एक योजना बनाई और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि अंतिम चरण में वो स्वीकृत होने जा रही है। अब जो सोलर पावर वहां बनेगा वो कश्मीर जम्मू होकर के देश के बाकी हिस्सों में जाएगा और कम लागत में, पहले जो इन लोगों ने प्रारूप बनाया था उससे कम लागत में बनेगा। मैं समझता हूं कि वो हमारे लिए बहुत ही अच्छी स्थिति होगी जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए। मैं बयान रोज पढ़ता रहता हूं, जब भी बिजली की कटौती होती है तो मेरी एक कठिनाई है कि हर अखबार पढ़ता हूं और जम्मू और श्रीनगर से प्रकाशित होने वाला तो वो चिरकुट अखबार भी पढ़ता हूं जो केवल 10 कापी छपता है। कभी रोहित कंसल ने मुझे कहा कि साहब ये केवल 10 कापी छापता है हमारे दफ्तर में देने के लिए, तो उसे वो लोग बयान देते हैं साहब कि साहब बिजली की हालत बड़ी खराब है। जिनके कंधों पर ये जिम्मेदारी थी मैं समझता हूँ कि वही लोग आए सबसे आगे, लेकिन मैं किसी को दोष नहीं देना चाहता हूँ। मैं ये जरूर कहना चाहता हूँ कि 2 वर्षों में पावर सेक्टर में काफी काम हुए हैं, मैं उन कामों को गिनाना नहीं चाहता हूँ। काफी बेहतर स्थिति में हम लोग रहेंगे और हमारी कैपेसिटी बढ़ी है। पिछले साल 231.5 MVA हमने बढ़ाई थी, पिछले 3-4 महीनों में 601.5 MVA उसको कर दिया गया है। तो चाहे वो नया सब स्टेशन बनाना हो या जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर के काम हैं हमने अस्थायी तौर पर करने की कोशिश की है। और एक बात मुझे और बताना है कि देश के जो डेवलप्ड स्टेट्स हैं, क्योंकि अखबार में जो बयान आते हैं, कल किसी का बयान में पढ़ रहा था, आंध्र प्रदेश जैसे राज्य में जहां से आए हैं अभी मेगा वाले, वहां इंडस्ट्री को 50% बिजली सप्लाई की जा रही है। कर्नाटक 63% बिजली सप्लाई की जा रही है। और मैं बहुत जिम्मेदारी से बात कर रहा हूं, आप लोग सब लोग पावर सेक्टर से जुड़े हैं, देश के किसी राज्य से, मैं किसी एक की बात नहीं कर रहा हूं, जो डेवलप्ड स्टेट है उनसे ज्यादा हम बिजली इंडस्ट्री को आज दे रहे हैं। ये जम्मू कश्मीर देश का शीर्ष स्टेट है। स्थिति काफी बदली है, बॉर्डर एरिया के किसान भाई भी बिजली पा सकें उसका, उसमें भी कैपेसिटी ऑगमेंटेशन हमने किया है। और हमारा जो लक्ष्य है कि पावर डेफिसिट से पावर सरप्लस स्टेट हमें बनना है, उसी लक्ष्य पर हम काम कर रहे हैं। 24/7 क्वालिटी पावर हर आदमी को जो पैसा देता है उसे दिया जा सके, ये हमारा दूसरा लक्ष्य है। अब अनेक परियोजनाएं, चाहे वो कृथई 2 हो, सावलकोट हो, दुलहस्ती 2 हो, उरी 2 हो, ये सब NHPC के साथ मिलकर के हम पूरा करने वाले हैं और हम चाहते हैं कि ये काम समय सीमा के भीतर पूरा किया जाए। NHPC, मुझे याद है जब हम लोग देश की संसद में आए थे, मैं पावर की स्टैंडिंग कमेटी में कई साल रहा, एक समय था इस देश में जब लगता था हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स लगेंगे ही नहीं, कहीं पर्यावरण बचाने वाले लोग कूदते थे, अब उन लोगों का नाम लेना ठीक नहीं है, एक फिजा बन गई थी पूरे देश की। लेकिन NHPC एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है हमारे देश की जिसने देश के लोगों में विश्वास पैदा किया कि नहीं, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट समय सीमा के भीतर लग सकती है और दुनिया के किसी देश में जिस तरह से बढ़िया चलती है वैसे हिंदुस्तान में भी चल सकती है, NHPC को श्रेय जाता है। मैं फिर से एक बार आप सबको धन्यवाद देता हूं, आप सबको बधाई भी देता हूं और जम्मू कश्मीर के नागरिकों को भरोसा देना चाहता हूं कि प्रशासन बिजली की आपकी समस्या का स्थायी समाधान हो
ये लक्ष्य लेकर के काम कर रहा है। समयबद्ध तरीके से प्रोजेक्ट्स को पूरा भी किया जा रहा है और जो जो आवश्यकताएं हैं उन्हें आने वाले समय में हम जरूर पूरा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। बिटवीन एनएचपीसी एंड जेके एसपीडीसी इन द प्रेजेंस ऑफ ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर सर, विच वॉज फॉलोड बाय अ सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट इन जनवरी 2021 फॉर इन टोटल इन्वेस्टमेंट ऑफ 5,281 crores टू बी कंप्लीटेड विद इन 60 months। Our present board structure 2021, and we have been able to invite the turnkey bids and conclude them within the timelines and the cost. This is MEIL Hyderabad, and it's a turnkey contract which involves other parties like their designers are F and GMW. So this we have taking into account the need for power in JNK, very tight timelines have been fixed for this project, and we are trying to see these are various stages which the contractor has to meet in. RHPCL in its short journey of 1 year has not only done worked over the public outreach initiatives, we have district scholarships, school bag, sports kits and medicine etc. in the local area to get a connection with the local masses there. Apart from that, we have also Government of JNK, Government of India, MOEF for their guidance and support for excellent out efforts for early completion of this project, and would request for your continued support and blessing. शाला में चिनाब नदी पर निर्माणाधीन है। वर्ष 2018 में भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय और जम्मू कश्मीर सरकार के साझा प्रयास से एनएचपीसी लिमिटेड को 51% और जेके एसपीडीसी को 49% हिस्सेदारी के साथ रतलज जल विद्युत परियोजना पर कार्य शुरू करने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की उपस्थिति में एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए। तत्पश्चात जनवरी 2021 के सप्लीमेंट्री एमओयू तथा अप्रैल 2021 में प्रमोटर एग्रीमेंट साइन करने के बाद 1 जून 2021 को एनएचपीसी लिमिटेड और जेके एसपीडीसी के संयुक्त उद्यम के तौर पर रतले हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन का गठन हुआ। रतले कॉर्पोरेशन ने रतले परियोजना के लिए ईपीसी टर्नकी कॉन्ट्रैक्ट माध्यम से जुलाई 2021 में निविदा आमंत्रित की और विस्तृत मूल्यांकन उपरांत जनवरी 2022 में इस परियोजना का कॉन्ट्रैक्ट मेसर्स मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रा लिमिटेड को अवार्ड किया। इस परियोजना में 133 मीटर ऊंचा कांक्रीट डैम और पानी के स्तर को नियंत्रित करने के लिए डैम में 6 स्पिलवे डिजाइन किए गए। डैम निर्माण के लिए चिनाब नदी के पानी को 11 मीटर डाला के 2 डायवर्सन टनल द्वारा मोड़ने की योजना है जिस पर काम जारी है। रतले जल विद्युत परियोजना का पावर हाउस अंडरग्राउंड होगा जिसमें 205 मेगावाट क्षमता की 4 मुख्य टर्बाइन और 30 मेगावाट क्षमता की एक सहायक टर्बाइन होगी। सहायक टर्बाइन निरंतर चलाते रहने की योजना है जिससे चिनाब नदी में पर्यावरण प्रवाह की आवश्यकताओं को सुनिश्चित किया जा सके। इस परियोजना से वार्षिक 3,136 मिलियन यूनिट विद्युत उत्पादन किया जा सके। रतले जल विद्युत परियोजना को फरवरी 2026 में पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है। इस परियोजना के विद्युत उत्पादन से जम्मू और कश्मीर के साथ साथ अन्य राज्यों की विद्युत आवश्यकताओं को पूर्ण करने में मदद मिलेगी। साथ ही इस परियोजना के अस्तित्व में आने से क्षेत्रीय विकास के साथ साथ स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के पर्याप्त अवसर भी प्राप्त हो सकेंगे। MEIL और उन्हीं की प्रस्तुति के लिए आमंत्रण देना चाहूंगी वाइस प्रेसिडेंट MEIL श्री उमा महेश्वर रेड्डी को। एक्सलेंसी लेफ्टिनेंट गवर्नर सिन्हा जी, रेस्पेक्टेड चीफ सेक्रेटरी,
gratitude to all the Ministry of Power, Government of India. As all of you are aware that this project had got delayed in 2014, but because of the person, the signing of contract for implementation of 850 megawatt RFA-HEP is testimony of the fact that JNK under Honorable LG Shri Manoj Sinha Ji, the Prime Minister of Naya Jammu Kashmir. Special thanks are due to Chief Secretary Sir, who has been guiding force for all of us. His focus on transparency and timely completion of project ensured that contract for RFA is awarded. Alok, ID Dayal Sir, Alok Sir, for their valuable time. Their in-depth insight of contract provisions leads to elaborate discussions in the board meetings, which further express my thanks to all dignitaries here, including directors of RHPCL, who came all the way from Delhi. I also take this opportunity to congratulate